आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के 3D में एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण। समझ गए हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? बोले एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण पढ़ेंगे। एकदम क्लियर होगा क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, अभी लिखिएगा बिल्कुल मत, आपको बिल्कुल ही नहीं लिखना है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। समझ गए? आपको ध्यान से देखना है, लिखना नहीं है, पहले आप सिर्फ देखिएगा। समझ गए तो आपका सारा समस्या ही खत्म हो गया। ये जो है आपका क्या हो गया? एक्स वाई जेड। आपका क्या हो गया नन्नू? एक्स वाई जेड। क्या हो गया बेटा? एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये आपका जो है, और ये आपका क्या है? मूल बिंदु है। क्या नन्नू? मूल बिंदु, यानी कि कटान बिंदु, यानी कि ओरिजिन। हम उल्टा लिखो की कर रहे तो अरे वीडियो में तो हंसी मजाक में मजा आता है, ठीक है। समझ गया बेटा? ठीक। अब देखिए तो दो लाइन आपका, दो लाइन, दो लाइन आप इस तरह से देखिए, मूल बिंदु से जाते हुए आपका एक लाइन है, इसको L1 बोल रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको? L1। ये इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? L1। ये कौन सा लाइन है नूनू? L1, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1। क्या है नाम नूनू? वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1। ये आप जानते हैं कि यह एक ऐसा लाइन है, यह एक ऐसा लाइन है जो कि एक बिंदु से पास करता है और वेक्टर B के समांतर है। नहीं, एक बिंदु से क्या करता है? पास करता है। और वेक्टर B1 के क्या हो जाएगा? समांतर। यानी कि वेक्टर B1 जो है ना, ये लाइन जो है ना, ये वाला जो है, ये वाला भाई साहब क्या हो गया? वेक्टर B1। ये नीचे वाला क्या हो गया बेटा? वेक्टर B1। क्योंकि यह लाइन हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, यानी कि एक रेखा का समीकरण जो कि एक बिंदु से होकर गुजरता हो और एक सदिश एक वेक्टर के समांतर है, तो उसका हम लोग यह समीकरण पढ़े थे वेक्टर R बराबर a प्लस लेमडा b, जहां पर b वेक्टर जो है उस लाइन का समांतर होता है, यानी कि पैरेलल होता है। यहाँ पे बेटा B नहीं लिखकर हम लोग क्या लिए हैं? B1। तो ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगा? B1। किसके समांतर हो जाएगा दोनों? B1। एकदम स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए तो अब एक दूसरा लाइन आप ले लीजिए, ये दूसरा लाइन आपका है L2। क्या नो दूसरा लाइन बेटा? L2। क्या बेटा दूसरा लाइन? L2। क्या बेटा? L2। और इस भाई का जो इक्वेशन है वह है वेक्टर R बराबर A2 प्लस म्यू B2। क्या है नन्नू? A2 प्लस म्यू B2। क्या है बेटा? A2 प्लस म्यू B2। इसका समीकरण क्या है नन्नू? A2 प्लस म्यू B2। क्या है नन्नू समीकरण? A2 प्लस म्यू B2। क्लियर है? तो इसमें जो है बेटा आपका ये जो B2 है, ये B2 किसके समांतर होगा? L2 का। किसके समांतर हो जाएगा? L2 का। किसके समांतर होगा बेटा? L2 का। ये जो भाई साहब है ना, यानी कि यहाँ पर एक वेक्टर आपका होगा B2। एक वेक्टर कौन सा होगा नूनू? B2। एक वेक्टर कौन सा होगा बेटा? B2। कौन सा होगा नूनू? B2। समझ गए बेटा? एक बार फिर से बताते हैं कि आपका एक बिंदु से होकर गुजरने वाला रेखा का समीकरण जो कि एक वेक्टर B के समांतर होता है,
वह होता है वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा। क्या होता है बेटा? वेक्टर a प्लस लैम्डा। हाँ यानी यहाँ पे लैम्डा एक हम लोग कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, लैम्डा की जगह म्यू के कुछ भी आप ले सकते हैं, नहीं कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि यदि यह आपका लाइन L1 है तो यह किसके पैरेलल हो जाएगा? B1 के। किसके समांतर हो जाएगा? B1 के। और यदि यह आपका L2 है लाइन, यदि यह आपका L2 है, यह किसके समांतर हो जाएगा? B2 का। किसके पैरेलल हो जाएगा? B2। किसके समांतर होगा? B2। चलिए वेरी गुड, लाइन L1 और L2 है, समझ गए? लाइन L1 और L2 है, ये दोनों ही आपका मूल बिंदु से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है? मूल बिंदु से। कहां से होकर गुजरता है? मूल बिंदु से, ओरिजिन। ठीक है, इसके बीच में आप मान लीजिए कि एंगल थीटा, इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। कितना है नूनू? थीटा। इसके बीच का कोण कितना है बेटा? थीटा। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जरा देखिएगा कि यह जो है एक लाइन है, इस लाइन का नाम दे दीजिए छोटकी L1, और ये लाइन जो है आपका इसके बराबर है, इसका नाम दे दीजिए बढ़ती L1। क्या नाम दे दीजिए नूनू? बढ़ती L1। ठीक, एक ये वाला लाइन है, ये आपका है L2। कितना है नूनू? L2। और इसी के समांतर एक दूसरा लाइन, ये आपका बढ़की L2। कितना है नूनू? बढ़की L2। समझिए, देखिए L1 किसके समांतर है? बढ़की L1। और छोटकी L2 किसके समांतर है? बढ़की L2। यदि छोटकी L1 और L2 के बीच का कोण थीटा है, यदि छोटकी L1 और L2 के बीच का कोण थीटा है, तो बेटा बढ़की L1 और L2 के बीच का कोण कितना होगा? ये वाला, ये वाला बेटा कितना हो जाएगा? थीटा है ना, क्योंकि समांतर है ना, क्योंकि पैरेलल है तो कोण आपका नहीं बदलेगा, समांतर है तो कोण आपका नहीं बदलेगा। इसी प्रकार से यहाँ तो चूंकि मेरे पास स्पेस बहुत था, बहुत जगह था, तो दोनों को हम बड़ा बड़ा करके दिखा दिए, लेकिन यहाँ पर एक संयोग है कि ये दोनों को हम छोटा छोटा दिखाए, नहीं B1 और B2 को क्या दिखाए हैं? छोटा छोटा। कहीं बड़ा दिखाएंगे तो फिर हो कैसे पाएगा, लेकिन बतिया ये सेम, बतिया यही कह रहा है, नहीं बात यही कह रहा है कि L1 के समांतर बढ़की L1 और L2 के समांतर बढ़की L2। यानी तो जो कोण छोटकी L1 L2 के बीच बना है, वही कोण, वही एंगल आपका बढ़की L1 और L2 के बीच बनेगा। यदि मेरा छोटकी L1 L2 के बीच का कोण थीटा है, यदि छोटकी L1 L2 के बीच का कोण थीटा है, B1 B2 के बीच का कोण कितना होगा? कितना होगा नूनू? कितना होगा बेटा? थीटा। नहीं, कहे कि ये दोनों समांतर न है, ये दोनों समांतर न है, तो B1 B2 के बीच का कोण कितना होगा? कितना होगा बेटा? कितना होगा नूनू? कितना होगा बेटा? थीटा। एकदम क्लियर है, B1 और B2 के बीच का कोण कितना होगा बेटा? कितना होगा नूनू? जोर से बोलो थीटा। कितना होगा बेटा? थीटा। चलो यदि ये थीटा है, यदि ये थीटा है, तो आप बताइए, यहां पर आप लिखिएगा एंगल बिटवीन बी वन एंड बी टू इज ऑल्सो थीटा, यानी कि सदिश बी वन तथा B2 के बीच का कोण थीटा है। कितना बेटा? बीच का कोण थीटा। जोर से बोलो कितना है नूनो? थीटा। कितना बेटा? थीटा। ठीक है, अच्छा दो रेखा, दो आपका वेक्टर के बीच का एंगल आप कैसे निकालते हैं? कोई आदमी? क्रॉस योर डॉट प्रोडक्ट। अरे ये तो यही लिखवा तेज है, रोज बताते हैं, एकदम सही बताया। या तो आप डॉट प्रोडक्ट से निकाल लीजिए या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए डॉट प्रोडक्ट से ही निकालने का। नहीं, क्या कोशिश कीजिएगा बेटा? डॉट प्रोडक्ट से निकालने का। तो डॉट प्रोडक्ट से निकालने का है, क्या होता है आपका? होता है बी वन डॉट बी टू, इसके बीच का कोण कितना बना है?
थीटा कितना बना नूनो थीटा, इसके बीच का कोण कितना है जी बेटा, कितना एंगल बना है थीटा, जोर से बोलो, बोलो कितना, तुम बोलो दिवानशु क्या नाम, बोलो कितना कोण बना है थीटा, आपको देख कर मुस्कुराओ नहीं, यहाँ बोलो थीटा। तो बी वन डॉट बी टू किसके बराबर हो जाएगा बोलो तो, बोलो बी वन का मैग्नीट्यूड बी टू का मैग्नीट्यूड और कितना नूनो कॉस थीटा, है ना, बी वन का मैग्नीट्यूड बी टू का मैग्नीट्यूड और कितना बेटा कॉस थीटा, और कितना नूनो कॉस थीटा। यहाँ से बेटा यदि कॉस थीटा निकालेंगे B1 डॉट B2 बटे में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। यहां से जो थीटा मिलेगा ना, E थीटा आपका, ये जो थीटा है वेक्टर B1 और B2 के बीच का कोण है, और यही थीटा आपका L1 और L2 के बीच का कोण है। यानी कि यदि यदि दो रेखा के बीच का आपको कोण निकालना है, हमको वो नहीं निकालना है, हमको वो दोनों वेक्टर के बीच का कोण निकाल देना है, और वो आपस में क्या हो जाएगा बराबर, समझ गए। हमको निकालना था L1 और L2 के बीच का कोण, लेकिन वो नहीं निकालकर हम लोग B1 और B2 के बीच का कोण निकाल दिए, और संयोग से वो दोनों एंगल क्या होगा बेटा बराबर, क्या हो जाएगा नूनो बराबर, क्या हो जाएगा बेटा बराबर, एकदम क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं। यानी cos थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, बोलो डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड, क्लियर है ना बेटा। अब ये क्या है, अब बात ये होती है, बात ये होती है कि अब आप आ जाइए, अब आप क्या जाइएगा कंडीशन, क्या जाइएगा कंडीशन, कंडीशन पे अब आना, कंडीशन पे देखो बेटा, ये तो अभी हम लोग जो लिखे है ना, ये भाई साहब किस फॉर्मेट में दिया है, वेक्टर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म बेटा वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म है बेटा वेक्टर फॉर्म, जोर से बोलो कौन सा फॉर्म है वेक्टर फॉर्म, ठीक है वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, वेरी गुड। इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, कार्टेशियन फॉर्म में एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण देखिए, ये हो जाता है x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b z माइनस z1 बटे c, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस x1 बटे ए, यहां पर आप ए वन ले लीजिए, समझ गए, बराबर y माइनस y1 बटे कितना बेटा b, पहले a b c लिखे फिर बाद में हम चेंज करेंगे, a और ये b और ये कितना बेटा z माइनस z1 बटे कितना बेटा c, यही होता है, क्या होता है x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b और बराबर देकर z माइनस z1 बटे c, ठीक है बेटा, बाद में भी कुछ चेंज करेंगे, पहले लिखने दीजिए, और इसका कितना हो जाएगा नूनो x माइनस x2 बटे a बराबर y माइनस y2 बटे b बराबर z माइनस z2 बटे c, हाँ या नहीं, ये होगा कि नहीं बोलो, हाँ या नहीं, ये होगा। अब देखो नूनो, अब चूंकि यहाँ पर b2 अलग है, यहाँ पर b1 अलग है, तो b1 के लिए जो है ये जो बेटा B1 है ना, इस B1 को आप मान लीजिए जानते हैं क्या, इस B1 का आप नाम दे दीजिए, हम लोग देते थे ए आई प्लस बी जे प्लस सी पी, ये नाम देते थे ना बोलो, ये नाम देते थे ना बेटा, वाई को इधर लिख दो, अब सीधा कर लिखेंगे, तुम लोग बोला था इसलिए सीधा नहीं किया, नहीं बोलता तो उसी समय करते, ठीक। देखो बेटा अब इसका भी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, इसका भी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, लेकिन दोनों जगह आप एक ही सिंबल नहीं लिख सकते हैं, समझे, काहे कि अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, तो यहाँ पर ए वन बी वन सी वन कर लीजिए और यहाँ पर ए टू बी टू और सी टू कर लीजिए, समझ गए, नीचे क्या कर लीजिए ए वन बी वन सी वन और ऊपर क्या कर लीजिए ए टू बी टू सी टू, तो बेटा यहाँ भी चेंज होगा ना, ये A1, B1, C1
और ये कितना हो जाएगा ए टू बी टू सी टू, कितना हो जाएगा नोनो ए टू बी टू सी टू, कितना हो जाएगा बेटा ए टू बी टू सी टू। ठीक है, अब देखो तो अब जो जो वेक्टर है उसके बारे में लिखो, जैसे ए वन वेक्टर है ए वन के बारे में लिखो, बी वन के बारे में लिखो, ए टू के बारे में लिखो और बी टू के बारे में लिखो। ठीक है, सब के बारे में लिखते हैं। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल मत लिखना। ये L1 किससे पास हो रहा है, बोलो किससे हो रहा है, किससे बेटा, किससे जे, किससे नूनो। लेकिन तुम तो यहाँ पॉइंट X1 Y1 Z1 लिया है ना, कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिया है X1 Y1 Z1, यानी कि A1 तुम्हारा हो गया X1I प्लस Y1J प्लस Z1। देखो A से पास होता है, बोलो A से पास होता है, A से पास होता है। लेकिन तुम तो वेक्टर फॉर्म में A से पास कराए थे, A1 से, कार्टेशियन फॉर्म में किसे कराए थे X1 Y1 Z1 से, किसे कराए थे X1 Y1 Z1 से, किसे कराए थे नूनू X1 Y1 Z1। तो A क्या हो गया, जिससे पास करता उसमें IJ क्या लगा दो, जिससे पास करता उसमें क्या लगा दो IJ, क्या लगाएगा नूनू IJ, क्या लगाएगा बेटा IJ, इसमें हम IJ क्या लगा दिए। अब देखो वेक्टर B1 तो स्पष्ट क्या लिखा हुआ है, वेक्टर B1 कितना लिखा हुआ, बोले A1I प्लस B1J प्लस C1, यानी कि A1I प्लस B1J प्लस C1। यू आर बुझेंगे कि नॉट बुझेंगे, सब लोग बुझेंगे, अगर नियमन से बुझेंगे, यदि नियमन से बुझेंगे तब A2 लिखा दो बेटा, क्या लिखा होगे A2, बोलो। अब ऊपर वाला रेखा, अब L2 रेखा कौन सा नूनू L2, कौन सा बेटा L2, कौन सा बेटा L2, किससे पास करता है A2, किससे पास करता है, किससे पास करता है, किसके समांतर B2, किससे पास किया A2, किसके समांतर B2, किससे पास किया A2, किसके समांतर B2। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में किससे पास कराया, एक्स टू वाई टू जेड, किससे पास कराया बेटा एक्स टू वाई टू जेड, किससे पास कराया नो एक्स टू वाई टू जेड बेटा, उसके सामने आई जे के लगा दो, नहीं क्या लगा दो बेटा आई जे के, यानी कि एक्स टू वन आई एक्स टू ना बेटा एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस कितना नो जेड टू, बोलो हाँ या नहीं, जोर से बोलो हाँ या नहीं। और बी टू तो हम पहले लिख चुके हैं, बी टू पहले बोलो क्या लिखे हैं, बोलो क्या लिखा है ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू, बोलो ए टू आई बी टू जे प्लस सी टू। ठीक, अब देखो अब हम एक्चुअल में वेक्टर से कार्टेशियन में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं बेटा वेक्टर से कार्टेशियन। अब देखो नो, अब देखो तो बेटा कॉस थीटा बराबर बी वन डॉट बी टू है ना, चलो बी वन लिखा तो बोलो ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस बी वन जे, बोलो बेटा प्लस सी वन के। ठीक है, एक बार बोलिए, दो बार मत दो। ठीक, अब चलो अब फिर क्या है बेटा, बोलो डॉट, अब कितना बी टू है, चलो बी टू लिखा तो ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू, ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस कितना सी टू। अब देखो इसी का क्या लिखना है मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन, और इसका जी ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू, समझ गए, दोनों का क्या लिखना है हम लोगों को मैग्नीट्यूड, क्या लिखना है बेटा मैग्नीट्यूड। अब देखो तो अब cos थीटा बराबर कितना हो गया, देखिए डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा, ए रे उस तुम लोग एक साथ क्या बैठते वहां पे, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो। देखो ये दोनों आई आई है ना, आई आई होगा ए वन और ए टू हो जाएगा, ए वन और कितना हो जाएगा ए टू, क्योंकि आई का किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, डॉट प्रोडक्ट में अपने साथ होगा दूसरे के साथ जीरो, अपने साथ एक दूसरे के साथ जीरो। तो देखो ये आई आई वाला तो मिलेगा, लेकिन आई का जे के साथ ले लो, आई का के साथ ले लो, कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि ए वन ए टू मिला, कितना मिला नूनू ए वन ए टू,
कितना मिला बेटा? उसी तरह से जे का जे के साथ मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा, यानी बी वन बी टू, और उसी तरह से सी वन सी टू, यानी कि कितना हो जाएगा? बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, समझ गए? और देखो अब यहाँ पर नीचे बोलो तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, फिर अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ठीक है? यहीं से आपको मिलता है एंगल। क्या मिलता है यहाँ से? एंगल। याद रहे एंगल निकालने में इन केस आपका नेगेटिव आ जाए, एंगल निकालने में इन केस नेगेटिव आ जाए, आप मोड लेकर आगे बढ़ जाइएगा। क्या कर लीजिएगा आगे? आप फटाफट फटाफट मोड, जैसे मान लीजिए एंगल निकाले, मेरा नेगेटिव आ गया, सुरवे से मोड लेना शुरू कर दू, समझ गए? दो ठो लाठी खींचना शुरू कर दू, लास्ट में माइनस एंगल को क्या कर दो, ठीक है? ये बेटा किस फॉर्मेट में निकाले हम लोग? कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा बेटा ये फॉर्मेट है? कार्टेशियन फॉर्म, समझ गए? ये आपका कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन, ठीक है? चलो फटाफट इसको नोट। ये देखो बेटा कंडीशन फोर, सोच रहे कि गोरिये तो और गोरिये हो रहे हैं हम अन्य कंडीशन फोर पैरेललिज्म, समझ गए? क्या पढ़ेंगे नानू? कंडीशन फोर पैरेललिज्म, यानी कि समांतर होने का शर्त, ठीक है? ये बड़ा ध्यान से देखो बाबू रे, यानी कि बाबू L1 किसके समांतर है? L1 किसके समांतर बेटा? L2, ठीक। यदि L1 L2 के समांतर है, इसका मतलब कि B1 किसके समांतर है बाबू? B2 का। B1 किसके समांतर है बाबू? B2 का। जोर से बोलो बेटा, B1 किसके समांतर है? B2। बोलो कैसे? अभी इन्हें को समझाए थे ना, ऐसे ऐसे वाला समझाए थे बेटा, ऐसे ऐसे वाला समझाए थे। तब ये दोनों समांतर, ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा दोनों? समांतर। क्लियर है बेटा? उसमें लिखने लेना है, वीडियो देख के लिख, पहले यहाँ देख। जब ये दोनों समांतर, ये दोनों क्या होगा बाबू? समांतर। यानी कि जब L1 और L2 समांतर हो जाएगा तो B1 B2 क्या होगा नूनू? जोर से बोलो बेटा, क्या होगा? समांतर। और जब दो वेक्टर समांतर हो तो उसको एक को दूसरे के रूप में लिख सकते हैं। यदि A और B समांतर है तो A बराबर लेमडा B या B बराबर लेमडा A, ए बराबर लेमडा बी या बी बराबर लेमडा ए। बेटा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी वन बराबर लेमडा बी टू, हाँ या नहीं जी? क्या लिख सकते हैं बेटा? बी वन बराबर लेमडा बी टू। क्या हो गया? बी वन बराबर बेटा बोला नहीं है, बी वन बराबर कितना बाबू? लेमडा बी टू। बी वन बराबर कितना बेटा? लेमडा बी टू, ठीक है? चलो वेरी गुड। आप देखो नुनू बाबू रे, B1 बताओ तो कितना बेटा? बोलो B1 सब बोलो तो A1i प्लस B1j प्लस C1k। ए बेटा B2 बोलो नूनू, B2i प्लस कितना नूनू? B2 नहीं ना जी, A2 ना, बोलो नूनू A2i प्लस B2j प्लस C2 का, हाँ या नहीं? चलो वेरी गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ तक दिक्कत नहीं है, अब देखो बेटा बोलो A1i प्लस B1j और प्लस कितना नूनू? C1k। यहाँ पे लेमडा अंदर घुसा दो, बोलो लेमडा A2i प्लस लेमडा B2j प्लस लेमडा C2k, है या नहीं? ठीक। अब जब दो वेक्टर आपका समान हो जाता है तो i j k का कोफिशिएंट क्या हो जाता है? बराबर। क्या हो जाता है नूनू? बराबर। जब दो वेक्टर समान है तो i j k का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? बराबर। क्या होगा नूनू? बराबर। ए बाबू यहाँ देखो बेटा, a1 किसके बराबर बेटा? लैम्डा a2 का। बाबू रे b1 किसके बराबर? लैम्डा b2 का। c1 किसके बराबर? लैम्डा c2 का, हाँ या नहीं जी? जोर से बोलिए हाँ या नहीं। यदि इतना हो गया तो A1, हाँ
एक तो ये भी आपका कंडीशन हो गया, ये किस कंडीशन में, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, किसमें हो गया, वेक्टर फॉर्म में ये हो गया। अब किसमें निकाले जा रहे हैं कार्टेशियन, अब देखो नीचे लेते आओ, ए टू बराबर लेमडा, बी वन बाय बी टू बराबर लेमडा, और सी वन बाय सी टू बराबर कितना हो गया दोनों, कितना हो गया बेटा लेमडा, ये तीनों लेमडा के बराबर है ना। जब तीनों लेमडा के बराबर है ए बेटा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू बराबर सी वन बाय सी टू, ये आपका कंडीशन हो गया किस फॉर्मेट में बेटा, कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया नो हेरे, जानने बुझने का लड्डू नहीं, बकर 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 करता है, एक और चीज पूछेंगे तो बता नहीं पाएगा, समझ गए। ये कौन सा फॉर्म हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हो गया कार्टेशियन फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म हो गया वेक्टर फॉर्म। यानी कि वेक्टर फॉर्म में दो रेखा आपका, दोनों लाइन आपका समांतर होगा, उसका कंडीशन है v1 बराबर लैम्डा, क्या कंडीशन है बेटा, v1 बराबर लैम्डा। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या है नूनू, a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by, एकदम क्लियर। और किसी चीज को अब हम लोग एक कंडीशन पढ़ेंगे किसका बेटा, लंब होने का, यानी कि परपेंडिकुलर का कंडीशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नूनू, परपेंडिकुलर का कंडीशन, आइए उसको पढ़ते हैं। यानी कि कंडीशन फोर परपेंडिकुलरिटी, अब आइए पढ़िए कंडीशन फोर परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन फोर परपेंडिकुलरिटी, यानी कि क्या लिखेंगे बेटा, लंब होने का शर्त, लंब होने का शर्त। बाबू रे ए बेटा ध्यान से देखिए, L1 लाइन L2 पे लंब, L1 लाइन L2 पे क्या है बेटा, ठीक है, तो दोनों वेक्टर भी लंब हो जाएगा कि नहीं, B1 B2 पे क्या होगा जी, लंब, B1 B2 पे क्या होगा बेटा, बाबू रे B1 B2 पे क्या होगा बेटा, लंब, क्या होगा नूनू, जोर से बोलो बेटा, क्या होगा लंब। और यदि कोई दो वेक्टर लंब है, नहीं यदि कोई दो वेक्टर लंब है तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, जीरो। डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बेटा, कितना होता है नूनू, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, जीरो। यानी कि B1 डॉट B2 कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। डॉट प्रोडक्ट कितना होगा नूनू, जीरो। डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, जीरो। कब जीरो होगा, जब ये वेक्टर दोनों एक दूसरे पे क्या हो, लंब, क्या हो नूनू, लंब, क्लियर है, क्या हो बेटा, लंब, ठीक। जब दो वेक्टर एक दूसरे पे लंब होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा नूनू, जीरो, एकदम क्लियर है। अब चलो ए बेटा बी वन लिखवाओ तो कितना है, ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, बेटा बी टू लिखवाओ तो ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, बाजू में कितना जे, बाजू में कितना नूनू, जीरो। बोलो बेटा बाजू में कितना, जीरो। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ, जीरो। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा दूसरे के साथ, जीरो। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा दूसरे के साथ, जीरो। यानी कि आई वाला आई के साथ रहेगा, जे वाला जे के साथ रहेगा, और के वाला के के साथ रहेगा। यानी कि ई दोनों भाई साहब रहेगा ए वन ए टू, ई वाला भाई साहब रहेगा बी वन बी टू, और ई वाला भाई साहब रहेगा सी वन सी टू। किसके बराबर जी, किसके बराबर, किसके बराबर नूनू, ये बड़ा किसके बराबर, ये आपका कंडीशन है वेक्टर फॉर्म, ये आपका है वेक्टर फॉर्म, और ये आपका कंडीशन है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। आज के लिए थ्योरी हो गया, अब फटाफट उतारिए, दो सवाल बताते हैं। हालांकि थ्योरी यदि अब वो देखो तो क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा दो को वेक्टर है, दो क्या है नूनू, वेक्टर, और बेटा दोनों के बीच का कोण निकालना, क्या निकालना है बेटा, दोनों के बीच का कोण, क्या निकालना नूनू, दोनों के बीच का कोण। ध्यान से देखो बाबू,
ध्यान से देखो आपका काम हो जाएगा। देखो बेटा पहले लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इस तरह से लिखिए, गिवन वेक्टर्स आर, ये तो आपका हिंदी आसान है। बोले तो आर बराबर कितना बेटा, आर बराबर 3i प्लस 2j माइनस 4k, बोलो प्लस लेमडा बेटा, फिर बोलो तो i प्लस 2j प्लस 2k, यही ना है, और कितना ननो, और r बराबर है 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है, यही है। बेटा ध्यान से देखो तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हैं क्या बाबू रे, ध्यान से देखना, नो कोई नहीं लिखेगा बेटा, ध्यान से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 यस सर, और ये a2 प्लस म्यू b2 है या नहीं जी, बोलो है ना बेटा, है या नहीं, बाबू रे है या नहीं। अब इसके बीच का कोण निकालना, क्या निकालना है जी, क्या निकालना बेटा, कोण, इसके बीच का क्या निकालना है, कोण, तो cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या पढ़े आप, a रे मारबो b1 dot b2 बटे में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, बटे में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, आया नहीं जी, चलो ठीक, यानी कि cos थीटा बराबर b1 बेटा लिखवाओ तो b1 इसी के बराबर है ना, बोलो b2 इसके बराबर है, b1 के जगह पे बोलो तो i प्लस 2j प्लस 2k, एननु b2 की जगह पे बोलो बाबू, b2 की जगह पे 3i प्लस 2j प्लस 6, 3i प्लस 2j प्लस 6, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना है बेटा बाबू रे, क्या निकालना है ये बेटा, जोर से बोलो, बोलो 3i प्लस 2j प्लस 6। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होता है दूसरे के साथ जीरो, बाबू रे बाजू में एक बाजू में तीन, तीन काम तीन, बाबू दो और दो, दो दुनी चार, दो और छह, छह दुनी कितना ननु, देर इज दिक्कत, देर इज नो दिक्कत। फिर देखो एक स्क्वायर जोड़ दो स्क्वायर जोड़ दो स्क्वायर, आया नहीं, और यहाँ पे बेटा तीन स्क्वायर दो स्क्वायर छह स्क्वायर, आया नहीं, यहाँ पे उन्होंने जानता है एक लाइन जो है ना बढ़ा दो, एक गुना तीन कर दो, ठीक, दो गुना दो कर दो, हमको वीडियो का लाइक भी बढ़ाना है ना, अब ज्यादा लाइक मारेगा तो, समझ गया क्या बोला, वो लाइक नहीं मारेगा देवांशु, तीन एक कम तीन, दो दुनी छह दुनी दो दुनी चार चार आठ एक नौ, छः के छत्तीस चार चालीस, चालीस नौ चालीस नौ मारो की चालीस नौ सात, चालीस नौ उनचास, उनचास का सात, उनचास का सात, बाबू रे बारह चार सोलह, बारह चार सोलह, सोलह तीन उन्नीस, सात तिहाई इक्कीस, यानी कि cos थीटा बराबर 19/21, 19 बटे कितना बेटा, तो थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 19/21, आंसर है, देखो तो यस सर, है बेटा चलो तो फटाफट लिखो और फिर एक और क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं। मारबो फाइल बताया नहीं, अब इसको जाने मरने लगता हुआ नहीं
फटाफट लिखो हसबे मारबो पूरा एक्सरसाइज बेटा आप लोग को बनाना है इधर जितना हो इधर तो अभी 300 मिनट नहीं पूरा सबने जाता है बोल दिया ना सर एक घंटा से कम हम क्या बोले थे अब एक घंटा से कम में रहेगा वो एक घंटा से ज्यादा जानते हैं क्यों हो जाता था जैसे आपको टाइम दिए ना टाइम उसमें भी दे देते थे इसीलिए ना ज्यादा वीडियो हो जाता था अभी देखो बेटा 36 अच्छा बुलेट के वास्ते डर जाता है ना तुम कि चेकिंग मांगे क्या ए बेटा सुनो बाबू रे यहाँ पे देखो दो लाइन दिया हुआ है कितना लाइन है बेटा दो लाइन ये दोनों का फॉर्मेट क्या है कार्टेशियन है क्या नानू कार्टेशियन और कार्टेशियन लाइन दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना समझ गए लेकिन हम आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में नहीं बताएंगे हम आपको बताएंगे वेक्टर इस चीज से आप और भी कई चीज सीखे क्या करे उधर दो क्लास करे एक साथ कौन सा रिकॉर्ड कर रहा पढ़ रहा है मैं और रिकॉर्ड कर रहा फिजिक्स डाउनलोडिंग होने दे दिया अरे बेटा क्लासरूम में एक यहाँ पे देखो बाबू रे ध्यान से देखो बेटा ध्यान से देखो बेटा इस लाइन को खींचने की जरूरत है देखे तो आपके पास दो लाइन है दोनों किस फॉर्मेट में दिया हुआ है कार्टेशियन ध्यान से देखिएगा बेटा ध्यान से देखिए नुनू ध्यान से देखो बेटा ये आपका L1 और ये आपका L2 और इसके बीच कितना कोण बना है इसी तरह अरे चल देखो इधर देखो ये चीज कहीं नहीं मिलेगा देखो तो बाबू इसका जो समीकरण है इसका समीकरण यदि आप बात कीजिए कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है तो R बराबर A1 प्लस लैम्डा बी आया नहीं और इसी का कार्टेशियन में होता है क्या होता है बेटा ये होता है x माइनस x1 बटे A1 y माइनस y1 बटे B1 और z माइनस z1 बटे B1 आया नहीं और ये भाई साहब जो है ना निचलका वाला से बी कहलाता है जिससे पास करता है क्या कहलाता है ठीक अब देखो तो एक्चुअल में ये समीकरण हमारे पास है कितना देखो तो एक बोलो तो कितना है x प्लस थ्री बाय देखो x प्लस थ्री बाय थ्री लिख दिया ना ठीक है क्योंकि हमको तो माइनस चाहिए ना तो दो बार माइनस दे दिए फिर देखो ध्यान से y माइनस y1 बाय b1 ये तो सही है ना बेटा यानी कि y माइनस वन बाय फाइव ये फिर गड़बड़ है प्लस है ना इसको लिख दो बेटा जेड माइनस माइनस थ्री बटे कितना कितना हो गया बेटा फोर अब इसी को तुम लिख दो बेटा वेक्टर फॉर्म किस फॉर्म में लिखना है वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेगा A1 प्लस लेमडा B1 A1 प्लस लेमडा B1 A1 से पास करता है तो पास किससे कर रहा है माइनस तीन माइनस वन नहीं एक और माइनस तीन यानी कि माइनस थ्री आई प्लस जे माइनस कितना इससे पास कर रहा है इससे क्या कर रहा है पास क्या कर रहा है बेटा पास प्लस लेमडा B1 प्लस नो लेमडा B1 निचलका वाला B कहलाता है ना निचलका वाला क्या कहलाता है बेटा B यानी कि हो जाएगा आपका 3i प्लस 5j
फाइव से प्लस कितना बैठा है फोर की, प्लस कितना ले लो फोर की, प्लस कितना बैठा है फोर। ठीक, जो काम यहाँ पर किया ना सेम काम यहाँ पर देखो, देखो बेटा इसका आर बराबर कितना बोले ए टू प्लस न्यू बी टू। ये सवाल में सिर्फ यही सवाल हम लोग नहीं बना रहे, हम लोग सिर्फ यही सवाल नहीं बना रहे, हम लोग कई तरह से सीख रहे हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं कि ये फॉर्मेट था आपका कार्टेशियन, हम किसमें बदल दिए बिना कुछ किए है या नहीं। ठीक है, या यदि आपका ये वेक्टर रहेगा तो फट से हम कार्टेशियन में बदल देखो बेटा। अब यहाँ पे देखो ये है, अब इसका एक्चुअल में कार्टेशियन फॉर्मेट कितना होगा, x माइनस एक्स टू बटे ए टू, वाई माइनस वाई टू बटे बी टू और जेड माइनस जेड टू बटे सी टू होगा ना, यही सी टू दे दो। ठीक है, लेकिन बेटा बताओ कि ये एक्चुअल में दिया कितना है बोलो तो, x माइनस माइनस वन बटे वन, वाई माइनस फोर बटे वन, यानी कि जेड माइनस फाइव बटे आया नहीं बोलो। अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखो नुनू, अब बेटा इसको लिख दो इस फॉर्मेट, वेक्टर r बराबर कितना नुनू ए टू, कितना बेटा ए टू, दो से बोलो बेटा कितना ए टू, ए टू से पास करता है ना बोलो, ए टू से क्या करता है बेटा पास, क्या करता है नुनू पास, कोई काम है क्या बेटा, कोई काम है क्या, अच्छा पी लो, किससे पास करता है ए टू से तो बोलो तो यहाँ पर किससे पास कर रहा है माइनस वन फोर फाइव से, किससे पास कर रहा है नुनू माइनस वन फोर फाइव, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस आई प्लस फोर जे प्लस कितना फाइव समझ गए, अब प्लस म्यू, हाँ म्यू और नीचे वाला ले लेते हैं, बी वेक्टर कौन सा होता है जी नीचे वाला, जोर से बोलो कौन सा होता है नुनू नीचे वाला, तो तुम्हारा कितना हो गया बोलो, क्या हो गया दिक्कत, कोई दिक्कत कोई समस्या, चलो बेटा ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास तो कार्टेशियन फॉर्मेट नहीं है बल्कि हमारे पास आप कौन सा फॉर्मेट है वेक्टर, कौन सा फॉर्मेट बेटा वेक्टर, आपको एंगल निकालना है ना, अब बेटा एंगल निकालना, अब यहाँ पे लिखते हैं तो कॉस थीटा बराबर कितना बेटा बी वन डॉट बी टू बट्टे में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, अब आसान हो गया ना। अब देखो cos थीटा बराबर, ठीक है पानी लगा लो ना यहाँ पर है पानी एन नो, चलो B1 बोलो तो बेटा कितना है लैम्डा के बाजू वाला, बोलो तो बेटा कितना है 3i plus 5j plus 4k, बोलो कितना है 3i plus 5j plus 4k, यहाँ पे देखो इधर इधर बोलो नो कितना है, बोलो तो बेटा बोलो 3i प्लस फाइव जे प्लस फोर के। ठीक चलो बी टू बोलो नोनो बाबू रे बी टू बोलो बेटा बोलो आई प्लस जे प्लस टू के, कितना नोनो बोलो आई प्लस जे नहीं बोलेगा तुम लोग प्लस कितना बेटा टू के, और नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड चलो बोलो बेटा बोलो थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस फोर के और ये i प्लस j प्लस 2 के। ठीक है चलो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा दूसरे के साथ जीरो, तीन गुना एक, तीन गुना कितना जी एक, तीन गुना एक नहीं नूनू लाइक पढ़ाना है ना बेटा, पांच गुना एक, पांच गुना कितना बेटा एक जोड़ चार गुना दो, चार गुना कितना नूनू दो, चार गुना कितना बेटा दो, अब निकालो तो मैं बेचू तीन स्क्वायर पांच स्क्वायर चार स्क्वायर, तीन स्क्वायर पांच स्क्वायर चार स्क्वायर, एक स्क्वायर दो स्क्वायर, एक स्क्वायर दो स्क्वायर, ये बिल्कुल दिख रहा है चलो कॉस नूनू रे बेटा एक बार बोलो तो तीन पांच आठ और आठ आठ सोलह, आठ आठ कितना बेटा सोलह, बेटा पच्चीस और नौ फिर बोलो ना, पच्चीस और नौ कितना बेटा चौतीस, हाँ पच्चीस नौ चौतीस चौदह सोलह पचास, पचास हुआ जी
पचासी न हुआ yes, तो रूट पचास देखना गलती नहीं करवाना nice. वो ये कितना जी चार पाँच छ रूट सिक्स यानी कि सोलह बटे ऐसा करो बेटा पचास को लिखो पांच गुनी दो है या नहीं और छ को लिखो दो गुनी तीन छ को क्या लिखेगा बेटा दो गुना तीन छ को क्या लिखेगा नोनो दो गुना तीन यहाँ तक तो दिख रहा है सोलह देखो तो पांच एगो बाहर बोलो और दो बाहर तीन पांच बाहर दो बाहर और रूट तीन कितना बार में कटेगा जी कितना बार में कटेगा बेटा ये नोनो कितना बार में कटेगा आठ कितना बार में आठ तो देखो बेटा कितना हो गया बोलो तो एट बाय फाइव रूट थ्री है क्या आंसर एट रूट थ्री बेटे एक के ने बतिया हो गया जी अरे एक ने हुआ बोलो हुआ कि नहीं हुआ आप देखो बेटा यहाँ पर कर देते यहाँ पर सुनो बाबू रे यहाँ पर कर देते देखो बेटा कॉस थीटा बराबर आठ बटे कितना हो गया फाइव रूट थ्री ना गुना कर रूट थ्री बटे रूट थ्री से गुना कर तो कॉस थीटा बराबर एट रूट थ्री बट ये तीन हो गया ना पांच के कितना कितने है बेटा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू थीटा बराबर कॉस इनवर्स एट रूट थ्री बटे पंद्रह और यही आपका क्या हो गया ठीक है ऊपर लिख लीजिएगा समझ गए कार्टेशियन फॉर्म में हिंट देते हैं किससे पास होता बोलो तो